ओके जी सो नाउ मी मूव टूवर्ड्स लिंग्विस्टिक्स एंड लिंग्विस्टिक्स पे जो है वो हमारे ऑलरेडी दो लेक्चर्स हो चुके हैं आज हम इसको वाइंड अप करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिफाइन ग्रामर ग्रामर क्या है ग्रामर जो है वो लैंग्वेज के रूल्स है द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज आर कॉल्ड ग्रामर Uh, या हम ये कह लें कि वो रूल्स जो गवर्न करते हैं सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को सेंटेंस कैसे बनता है उसके क्या मीनिंग्स होते हैं ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो ग्रामर में आती हैं इफ़ वी टॉक अबाउट ग्रामर तो उसमें uh, uh, दो हमारे पास मेन टाइप्स ऑफ ग्रामर आ जाती हैं या आपको फील्ड्स आ जाती हैं जिसमें फर्स्ट वन है जी प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर एंड देन डिस्क्रिप्टिव ग्रामर बाय प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर वी मीन द ट्रेडिशनल ग्रामर दैट टेल्स हाउ टू मेक अ सेंटेंस स इट मूव फ्राम रूल्स टू वर्ड्स सेंटेंस यानी पहले रूल्स बनाए जाते हैं और फिर जो है वह प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर के अकॉर्डिंगली हम उन रूल्स के अकॉर्डिंगली ये डिसाइड करते हैं कि सेंटेंस कैसे बनेगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो यूज़ की जाएंगी जबकि अपोजिट साइड पर हमारे पास आ जाता है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर एंड डिस्क्रिप्टिव ग्रामर क्या है जी द ग्रामर दैट टेल्स हाउ टू ब्रेक अ सेंटेंस यानी एक सेंटेंस को ब्रेक डाउन करके किस तरह आप एक उससे रूल्स डेवलप कर सकते हो पहले सेंटेंस आएगा सेंटेंस की स्टडी की जाएगी और उससे फिर आप रूल्स जो हैं वो सॉर्ट uh, आउट करेंगे तो इस चीज़ को हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव ग्रामर दैन हैज यटैक्स सिंटेक्स इज़ नेम ऑफ डिस्क्रिप्टिव ग्रामर जो हमने बात की कि हाउ अ सेंटेंस कैन बी स्प्लिट इन टू पार्ट्स टू रीच एंड फाइंड द अंडरलाइंग रूल्स आप एक सेंटेंस को पकड़ें उसको स्प्लिट डाउन करें उसके जो सब पार्ट्स हैं उनको देखा जाए और उनसे रूल्स की तरफ मूव किया जाए ये सारा जो प्रोसेस है उसको हम सिंटेक्स बोलेंगे द वर्ड सिंटेक्स ड्राइव्स फ्राम अ ग्रीक वर्ड सिंटेक्सिस विच मीन्स अरेंजमेंट मॉरफॉलोजी uh, जो है मॉर्फोलॉजी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि उसमें हम ये देखते हैं कि हाउ मॉरफीम्स आर जॉइंट टू मेक वर्ड्स मॉर्फीम्स को मिलाकर वर्ड्स किस तरह बनाए जाते हैं उस वो है मॉर्फोलॉजी अब आगे वर्ड्स को ज्वाइन करके किस तरह फ्रेजेस और सेंटेंसेस बनाए जाते हैं इस चीज़ को हम बोलते हैं सिंटैक्स। सो बेसिकली मॉर्फोलॉजी इज हाउ मॉर्फीम्स मेकअप सेंटेंसेस एंड सिंटैक्स डील्स विद द कॉन्सेप्ट दैट हाउ वर्ड्स आर ज्वाइन टूगेदर टू मेक फ्रेजिज एंड सेंटेंसिज

Uh, एक थॉट uh, एक्सप्रेस होता हो एक क्लियर चीज प्रेजेंट होती हो उसको हम बोलते हैं सेंटेंस अगर एक पूरी चीज़ नहीं डिपिक्ट हो रही प्रेजेंट नहीं हो रही um, वो इनकम्प्लीट है एम्बिगुअस है तो दैट विल रेफर टू अ फ्रेज नॉट अ सेंटेंस ओके सो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग अ टॉपिक और अ थॉट इन टर्म्स ऑफ सिंथेटिक कैटेगरीज सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इन टू सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ओके जैसे ये सेंटेंस आप देख रहे हैं असलम इज़ गोइंग टू स्कूल सो हेर असलम जो है वो सब्जेक्ट है और बाकी जो पोर्शन है वो प्रेडिकेट है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास थ्री टाइप्स आ जाती हैं फर्स्ट वन इज़ अ सिंपल सेंटेंस जिसमें जो है एटलीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट होना चाहिए जो सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा उसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस जैसे ये आ गया असलम रीड्स अ बुक तो इसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट है असलम देन रीड्स अ बुक प्रेडिकेट है और वो हमारा पूरा एक सिंपल सेंटेंस बन गया देन आ जाता है कंपाउंड सेंटेंस अ कंपाउंड सेंटेंस इज़ मेडअप ऑफ टू और मोर सिम्पल सेंटेंसेज यानी दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को जब हम ज्वाइन करते हैं इकट्ठा एक सेंटेंस की फॉर्म में रखते हैं तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं जैसे आप एक इसकी एग्जाम्पल देखें असलम रीड्स अ बुक बट सीमा प्लेज विद डॉल्स अब इसमें दो सेपरेट सेंटेंस हैं असलम रीड्स अ बुक एक कंप्लीट सिंपल सेंटेंस असलम जो है वो सब्जेक्ट है और बाकी उसका प्रेडिकेट हो गया दूसरी तरफ जो दूसरा दु, सेंटेंस है वो आप देखें सीमा प्लेज विद डॉल्स सीवा सब्जेक्ट हो गया और बाकी उसका प्रेडिकेट हो गया अब इन दो सेपरेट सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन किया बट से एक वर्ड लगाया उसको कंबाइन कर दिया अब ये पूरा एक जुमला बन गया तो ये क्या कहलाया कंपाउंड सेंटेंस देन है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस इन विच वन ऑफ द सेंटेक्टिक रोल्स इज प्लेड बाय एन एम्बेड सेंटेंस यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर एक जो मेन हमारा सिंपल सेंटेंस था उसके अंदर कुछ फ्रेज डाल दिया एक एम्बेड फ्रेज एक क्लॉज uh, उसमें डाला जैसे ये देखें अगर आप सेंटेंस आई विद असलम प्लेड अ मैच अब सिंपल जो इस, इसका पोर्शन है सिंपल सेंटेंस वो है आई प्लेड अ मैच सिंपली आई जो है सब्जेक्ट हो गया प्लेड अ मैच उसका प्रडिकेट uh, हो गया अब ये जो अंदर क्लॉज आया है विद असलम ये उसका एम्बेडेड सेंटेंस है और इसके आने से ये जो सिंपल सेंटेंस था अब ये बन गया है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देन आर सेट टू कंसिस्ट ऑफ अ मेन क्लॉज एंड अ सबॉर्डिनेट क्लाज जो अंदर ये वाला आया था ना हमारे पास विद असलम ये हमारा सबॉर्डिनेट क्लाज है मेन क्लाज क्या है आई प्लेड अ मैच ये हमारा मेन है और उसका जो सबॉर्डिनेट क्लाज है वो विद असलम है द सबॉर्डिनेट क्लॉज इज ऑफन रेफर्ड टू एहन एम्बेडिड सेंटेंस जैसे अभी हमने पीछे बात की देन आ जाता है जी सीमेंटिक्स सिमेंटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंग इन कम्युनिकेशन अभी तक हमने बात की सिंटेक्स की सिंटेक्स क्या है स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेज अच्छा सेंटेंस तो बन गया या मार्फोलोजी में हमने वर्ड्स के बनने की बात की वो तो बन गए अब जो सीमेंटिक्स है ये डील करता है उन वर्ड्स और उन सेंटेंसेज के मीनिंग्स के साथ ठीक तो उन वर्ड्स उन सेंटेंसेस की जो मीनिंग्स की स्टडी है उसको हम बोलते हैं सिमेंटिक्स इन लिंग्विस्टिक्स इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ साइंस एज यूज बाय कम्युनिटीज विद इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिज एंड कॉन्टेक्स सिमेंटिक्स के आगे हमारे पास दो टाइप्स हैं सिंक्रॉनिक एंड डायक्रॉनिक्स सिंक्रॉनिक सिमेंटिक्स डील्स विद द मीनिंग्स ऑफ सम गिवन साउंड वर्ड सेंटेंस और द टेक्स्ट विद इन सम गिवन सिस्टम आप ये कह लें कि किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर रहते हुए उस आ, उन वर्ड्स की साउंड्स की या सेंटेंसेस के जो मीनिंग्स हैं उनको डील करते हैं हम सिंक्रॉनिक के साथ ठीक है दूसरी तरफ है डायक्रोनिक डायक्रोनिक को हम हिस्टोरिकल सीमेटिक्स भी बोलते हैं वो डील करता है विद द मीनिंग्स इन द हिस्ट्री एंड देन द फर्दर डेवलपमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम यानी वो क्या डील करेगा कि वर्ड्स का हिस्ट्री में पहले क्या मीनिंग होता था फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम कैसे कैसे वो मीनिंग्स मॉडिफाई होते गए उनमें क्या चेंजेस आते गए सो यू कैन से कि सिनक्रॉनिक जो है वो एक पर्टिकुलर सेटअप एक पर्टिकुलर गिवन सिस्टम के अंदर जो मीनिंग है उसको डील करता है और डायक्रॉनिक जो है वो मीनिंग्स की हिस्टोरिकल डिवेलपमेंट को डील करता है जैसे एग्ज़ाम्पल होगी डेट डेट जो वर्ड है अगर हम पीछे जाते हैं है, या कुछ थोड़े बैकवर्ड कल्चर्स में चले जाते हैं या हम हिस्ट्री में चले जाते हैं, आप ये कह लें किस बैक तो डेट का वर्ड आते ही जो में इम, आता था किसी के भी वो क्या आता था जो हमारी कैलेंडर डेट होती है वो ठीक है या ज्यादा से ज्यादा खजूर वाला डेट आज के अगर आप टाइम में उसको रिलेट करें तो आज डेट का वर्ड आते ही हमारे माइंड में क्या आता है जो एक वो क्या उसको मैं कहूँ जो लव कोर्टशिप है जो एक मीटिंग है उसके लिए हम डेट का वर्ड यूज़ करते हैं तो अब वो मीनिंग की सेंस चेंज हो गई तो ये जो डेवलपमेंट है जो कल्चर के साथ टाइमिंग के साथ बदल गया मीनिंग इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं डायक्रोनिक में अच्छा जी देन आ जाते हैं हमारे पास मीनिंग्स को अगर हम देखें तो मीनिंग्स भी टू टाइप्स के हैं एक है जी डेनोटेटिव मीनिंग डेनोटेटिव मीनिंग्स आर द डायरेक्ट और द डिक्शनरी मीनिंग्स ऑफ सम टर्म दीज आर दर्फिक सरफिस मीनिंग्स यानी एक लवस उसका जो डायरेक्ट मीनिंग बनता है जो उसका सरफेस मीनिंग है वो है डेनोटेटिव दूसरा है कॉनोटेटिव कॉनोटेटिव मीनिंग क्या है जो उसका इम्प्लाइड मीनिंग होता है डीपर मीनिंग होता है या जिसको आप सिम्बॉलिक मीनिंग भी कह सकते हैं वो कॉनोटेटिव हो जाता है देन हमारे पास आगे लैगजिकल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग्स अब लेक्सिकल और ग्रामेटिकल मीनिंग्स की क्या बात है कि हम ये कह लें आप ये कहेंगे यूजुअली नाउन्स वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स हैव सम हिंट ऑफ इंट्रेंसिक मीनिंग्स दे रेफर टू ऑब्जेक्ट्स एक्शंस एंड क्वालिटीज दैट कैन बी आइडेंटिफाइड इन द एक्सटर्नल वर्ड्स सच एज बुक पेंसिल ब्यूटी गोइंग वॉकिंग एट्सट्रा सच वर्ड्स आर सेट टू हैव लेक्सिकल मीनिंग यानी वो वर्ड्स जिनका अपना एक मीनिंग बनता है जैसे नाउन्स हैं तो नाउन्स रेफर करेंगे ऑब्जेक्ट्स को जैसे बुक है पेंसिल है न्यूज़पेपर है वॉल है इस तरह ऑब्जेक्ट्स को रेफर करेंगे नाउंस इसी तरह वर्ब्स हैं तो वो रेफर करेंगे एक्शंस को जैसे कि है गोइंग है स्लीपिंग है ईटिंग है एडजेक्टिव्स हैं तो वो रेफर करेंगे क्वालिटीज़ को जिसमें आ गया ब्यूटीफुल है रेड है येलो है आप कहो कि ट्रांसपेरेंट है किसी भी चीज़ की किसी भी किस्म की क्वालिटी की बात करेंगे तो वो ऑड्जेक्टिव हो गया तो ऐसे वर्ड्स जिनका एक अपना इंट्रेंसिक मीनिंग होगा उनको हम कहते हैं उन वर्ड्स के जो जो ऐसे जो वर्ड्स हैं उनके बारे में हम ये कहते हैं कि उनके लेक्सिकल मीनिंग्स हैं जबकि दूसरी तरफ हमारे पास आ जाते हैं कौन से ग्रामेटिकल मीनिंग्स उसके लिए अगर हम देखें तो हमारे पास जैसे आर्टिकल्स हैं कंजंक्शंस हैं प्रपोजिशन्स हैं इनको हम एम्प्टी वर्ड्स भी बोलते हैं ये क्या है? ये वो हैं जिनके अपना कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता ठीक है और अगर आप बात करें उनके आ, उसकी Um, फिर उनका क्या मीनिंग होता है अगर उनका अपना कोई मीनिंग तो उनका फिर मीनिंग जो है वो उनके ग्रामेटिकल फंक्शन के अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है ठीक है जैसे आप आर्टिकल्स में देख लें आर्टिकल है आपके पास ए एन एंड द इनका अपना कोई मीनिंग नहीं ए का क्या मीनिंग है नथिंग द का क्या मीनिंग है नथिंग बट वैन दे आर अटैच टू नाउन्स जब हम बात करते हैं द वुमन तो वो फिर सिर्फ वुमन का जो मीनिंग था वो कुछ और था अब द वुमन का मीनिंग कुछ और हो गया ठीक है रेफर कर दिया डायरेक्टली किसी एक स्पेसिफिक वुमन की तरफ तो इस तरह से ये जो वर्ड्स हैं इनके अपने तो कोई मीनिंग नहीं इन इट्स वो कुछ भी नहीं है लेकिन जब ये किसी चीज़ के साथ जुड़ के यूज़ किए जाते हैं ग्राम ग्रामेटिकल फंक्शन अपना परफॉर्म करते हैं तो फिर इनको मीनिंग मिलता है तो ऐसा जो मीनिंग है इसके लिए हम यूज़ करते हैं ग्रामेटिकल मीनिंग्स सो यू कैन सम के जो नाउन्स वर्ब्स और एबजेक्टिव हैं आपके वो आपके लेक्सिकल मीनिंग्स वाले वर्ड्स हैं और जो आपके आर्टिकल्स कन्जंक्शंस प्रपोजिशंस हैं ये आपके ग्रामीटिकल मीनिंग्स वाले हैं अच्छा देन हम देखेंगे जी कुछ टर्म्स को जो कि इंपॉर्टेंट हैं और उनके जीिंग वर्ड्स के हवाले से जो है वो हम देखेंगे फर्स्ट वन है हमारे पास लेगजीम लेगजीम हम किस बोलते हैं आप कह लें कि नॉर्मली जो है वो ये समझा जाता है कि मॉरफीम और लैगजीम जो है वो सेम है क्योंकि लेगजीम कहा जाता है एक बेसिक यूनिट को ठीक है लेकिन आप ये कह लें कि मॉरफीम जो है उससे क्या होता है कि एक वर्ड बनता है जैसे अगर इफ़ यू कैन रीड इट मॉरफीम मेक्स वर्ड एंड इडियम और फ्रेज़ मे कंसिस्ट ऑफ मैनी मॉरफीम्स बट दे मे डिस्क्राइब वन कॉन्सेप्ट सपोज वी यूज़ द फ्रेज और इडियम द वे ऑफ ऑल फ्लैश द वे ऑफ़ ऑल flesh जो है वो एक एडियम है एक फ्रेज बना ठीक है अब इसमें क्या है इसमें बहुत सारे मॉरफीम्स हैं ठीक बट क्या है दिस एडियम और फ्रेज कंसिस्ट ऑफ मैनी मॉरफीम्स बट gives अस वन आइडिया आइडिया क्या दे रहा है डेथ का मरने का मौत को जो है वो represent किया द वे ऑफ ऑल फ्लैश यानी द वे ऑफ ऑल फ्लैश इज़ वॉट टूवर्ड्स डेथ डिके तो अगर हम इसकी बात करें मॉर्फोलॉजिकली तो ये कितने सारे मॉर्फिम्स को मिलाकर ये एक फ्रेज़ बनाए ठीक लेकिन इसका जो मीनिंग है वो रेफ़र करता है एक ही चीज़ को डेथ को डिके को ये जो चीज़ है जिसको वो रेफ़र कर रहा है मीनिंग वाइज वो उसका लैगजीम है आप ये कह लें कि मॉर्फिम जो है वो है वर्ड्स इट्स उनको उन, उनको मिलाना उनसे जो फ्रेजेस बन रहे हैं मॉरफीम्स जो हैं वो इड्सल्फ़ ठीक है जबकि जो लगजीम है वो, वो उन मॉरफीम्स के मिलने से बनने वाली जो चीज़ उसका मीनिंग जो है उसके लिए हम लगज़ीम यूज़ करते हैं आप ये कह लें कि जैसे जो मॉरफीम है उसका ताल्लुक मॉरफोलोजी से है उसका स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड के साथ है जबकि जो लगजीम है इसका ताल्लुक सिमेंटिक्स के साथ है जो कि मीनिंग के साथ है ठीक देन आता है हमारे पास सिनानिम्स सिनोनिम जो है वो नॉर्मली क्या कहा जाता है कि आ, दो वर्ड्स जिनके बिल्कुल सेम मीनिंग हो उनको हम सिनोनिम्स कहते हैं बट ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट सेम मीनिंग्स नहीं होते बल्कि पार्शल सिमिलैरिटी होती है उनके मीनिंग्स में किसी हद तक की सिमिलैरिटी जो कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में तो यूज़फुल होगी लेकिन दूसरे में हो सकता है वो ना हो जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखें तो आपको बेहतर समझ आएगी उसने कहा कि जैसे टॉल एंड हाई है टॉल एंड हाई आर सिनोनिम्स बट एक पर्टिकुलर सेटअप में एक पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ कंडीशन में तो वो यूजफुल होंगे जैसे कि आप ये कह लें कि अ टॉल ट्री फाइन अ हाई ट्री फाइन ठीक है समझ में आ रहा है करेक्ट है लेकिन अगर आप कहते हैं अ टॉल गर्ल वो तो ठीक होगा लेकिन अ हाई गर्ल ठीक नहीं होगा तो <coughs> इस केस में आप गर्ल के केस में आप हाई को एज अ सिनोनिम यूज़ नहीं कर सकते टॉल का जबकि ट्री के केस में आप कर सकते हैं ओके okay? दैन है जी वी कैन से दैट सेनानिम इज़ द रिलेशनशिप इन विच टू और मोर वर्ड्स आर इन फ्री वेरिएशन इन ऑल और मोस्ट कॉन्टेक्ट यानी उनका आपस में एक ताल्लुक बन रहा हो ठीक लेकिन किसी हद तक की वेरिएशन भी है उनमें इनको हम सनानिम बोलेंगे दैन आ जाता है एंटोनिम एंटोनिम जो है वो ऑपोजिट के लिए हम यूज़ करते हैं बिग स्मॉल गुड बैड वाला जो चीज़ है उसके लिए दैन आ जाता है जी हिपानमी हिपानमी जो है इट रेफर्स टू द नोशन ऑफ इंक्लूजन यानी अ पर्टिकुलर वर्ड इज़ इंक्लूडेड इन द मीनिंग ऑफ अ जनरल वर्ड द जनरल वर्ड इज दफ द कॉम्पोनेंट वर्ड एक आप कहो कि पर्टिकुलर वर्ड या जो एक हैड वर्ड मेन वर्ड है जैसे आप इग्जाम्पल में देखो कि फ्लावर है लेट सपोज इसके अंदर जो चीज़ें शामिल हो रही हैं जो इस कैटेगरी के अंदर है जैसे आगे टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आ जाती हैं रोज़ है जैसमीन है मेरी गोल्ड है उसने दे दिया आपको एग्जांपल ये जो सारी की सारी हैं ये उसके सब पार्ट्स हैं ये ये वो आपको के पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जो कि जो जनरल वर्ड फ्लावर के अंडर आ रहे हैं तो ये वाली जो इनकी आपस में कलेब्रेशन है जो आपस में इनका आप रिलेशन कह लें उसके लिए हम यूज़ करते हैं पोनमी जैसे उसने आगे आपको लिटरेचर का यानी लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं नॉवल है प्ले है पोइट्री है प्रोज़ है, है वो सारा का सारा किस में आता है उसकी जो मेन चीज़ है वो लिटरेचर ही है तो एक मेन uh, जो उसका पर्टिकुलर है वो और उसको फिर आप रेफ़र करते हो कैसे जनरल वर्ड के साथ जनरल वर्ड आपके पास लिटरेचर है उसके जो पर्टिकुलर्स हैं वो फिर आगे आ जाता है नॉवल प्ले एंड पोइट्री एक्सेट्रा देन आ गया पोलिसमी पॉलिसमी इज़ अ काइंड ऑफ कनेक्शन के अब जब आप देखते हो कि अगर आप डिक्शनरी को कंसल्ट करो तो आप ये देखते हो कि एक वर्ड आता है और उसके मल्टीपल मीनिंग्स आपको डिक्शनरी देती है एक ही वर्ड के दो तीन चार मीनिंग्स लिखे हुए होते हैं जब भी आप किसी डिक्शनरी को कंसल्ट करते हो तो अब डिक्शनरीज में सेटअप कैसे रखा जाता है कि सबसे पहले क्या किया जाता है किसी भी वर्ड का सेंट्रल मीनिंग दिखा जाता है फिर आगे उसका क्लोजली रिलेटेड मीनिंग मिलता जुलता जो जिसको हम सिनोन कह रहे हैं उस टाइप का मीनिंग और फिर हम बात करेंगे उसके बाद डिक्शनरी में जो आया होता है वर्ड वो सिंबॉलिक मीनिंग होता है यानी डिक्शनरीज़ के अंदर इस पैटर्न को फॉलो किया जाता है आप ये कह लें कि ये सारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीनिंग्स हैं किसी भी वर्ड के इनकी स्टडी के लिए हम यूज़ करते हैं पॉलीसेमी सिमी निकला सिमेंटिक्स से सिमेंटिक्स है मीनिंग पोली हो गया मल्टीपल को रेफर कर रहा है तो जब किसी भी एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स की हम बात करेंगे तो दैट विल रेफ़र टू पोलिसमी देन आ गया हिपोनमी हिपोनमी रेफर्स टू टू और मोर लैगजीम्स हैविंग द सेम शेप फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ड फॉल हैज़ डिफरेंट मीनिंग दो इट हैज़ द सेम शेप शेप सेम है लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट हो यानी वर्ड सेम है लेकिन सरकमस्टांसिस के अकॉर्डिंगली यूसेज के अकॉर्डिंगली उसका मीनिंग चेंज हो जाता है जैसे आप देखें तीन सेंटेंसेज उसने आपको इसके लिए दिए हैं वी वेंट टू सी द नियाग्रा फॉल अब यहाँ पर फॉल से मुराद क्या है आबशार देन उसने कहा द कप ऑफ टी फॉल्स डाउन फ्रॉम माई हैंड फॉल्स डाउन नीचे गिर गया तो ये रेफर कर दिया उसने वर्ब की बात कर दी ठीक है और फिर आ गया आपके पास हमटी डमटी हैड अ ग्रेट फॉल तो इस ये वाला जो फॉल है वो फिर आ जाता है सिम्बॉलिक फॉल की तरफ भी और वो जो गिरना है एक उस चीज़ की तरफ आ जाता है नाउन बन जाता है ठीक हो गया इसी तरह आगे उसने आपको दे दी एग्ज़ाम्पल बैंक है तो बैंक से एक तरफ हमारे पास मुराद आती है जो हमारा वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट है जो बैंक्स हैं जिस जहाँ हम पैसे निकाल रहे हैं कर रहे हैं वो हमारा एक इंस्टीट्यूट है दूसरी तरफ बैंक जो है वो रेफ़र करता है रिवर की जो साइड है उसके लिए भी तो सेम वर्ड विद डिफ़रेंट मीनिंग्स उसके लिए हम क्या करेंगे हो, हो, होमोनमी देन आ जाता है जी हमारे पास होमोफोन होमोफोन क्या है दो वर्ड्स विच हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स बट आर प्रोनाउंसड इन द सेम वे आर कॉल्ड होमोफोन्स डिफरेंट मीनिंग फोकस किस बात पे आपने रखना है डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग्स लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है एग्जाम्पल्स देखें आप बी ई ए आर बीयर और बी ए आर बीयर अब जो सॉरी बेयर बी ई ए आर बेयर वो हो गया बर्दाश्त करने वाला या जो रीच हमारा दूसरी तरफ है बी ए आर ई बेयर तो दोनों देखें अगर आप वर्ड्स मीनिंग अलग है वर्ड्स अलग बिल्कुल अलग शक्ल में दिखने में भी लफ्ज़ अलग हैं उनके स्पेलिंग्स भी अलग हैं और उनके मीनिंग्स भी अलग हैं लेकिन उनकी प्रोनंसिएशन सेम है तो इनको हम होमोफोन्स बोलेंगे बेयर बेअर इसी तरह राइट right, राइट right है नो नो स्वीट स्वीट ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये हमारे आ जाते हैं किसमें हमारे होमोफोन्स में ठीक डिफरेंट मीनिंग्स डिफरेंट स्पेलिंग्स बट सेम प्रनाउंसिएशन देन आ गया होमोग्राफ्स दीज दो वर्ड्स विच हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड प्रोनंसिएशन बट आर स्पेल्ड इन द सेम वे पीछे हमने बात की थी डिफरेंट मीनिंग और डिफरेंट स्पेलिंग सेम प्रोनंसिएशन अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंट मीनिंग डिफरेंट प्रोनंसिएशन लेकिन स्पेलिंग सेम है तो उसको हम बोलेंगे होमोग्राफ्स फॉर एग्जांपल ये है डब्ल्यू आई एन डी विंड सेम स्पेलिंग दूसरे के भी आप देखें डब्ल्यू आई एन डी सेम स्पेलिंग ठीक लेकिन अब इसकी प्रोनंसिएशन चेंज है इसकी प्रोनंसिएशन है वाइंड जिसको हम घुमाना बोलते हैं ना ट्विस्ट करना किसी चीज़ को तो अब यहाँ पर क्या है सेम स्पेलिंग्स लेकिन डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट मीनिंग ये हो गया होमोग्राफ इसी तरह अगला देखें आप एल ई ए डी तो एल ई ए डी लेड बोलेंगे तो वो मेटल होगा एल ई ए डी लीड बोलेंगे तो वो गाइडेंस के लिए यूज़ होगा ओके सेम स्पेलिंग्स डिफरेंट मीनिंग्स डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन ये हो क्या हो गया हमारा होमोग्राफ ओके देन आते हैं हम डेनोटेशन और कॉनोटेशन की तरफ मीनिंग्स की जब हम बात करेंगे तो टू टाइप्स ऑफ मीनिंग्स हैं जो है जी डेनोटेशन और कॉनोटेशन डेनोटेशन मीन्स directly uh, refer to the concept for which a word literally stands in a language yani kisi bhi lafz ke jo literal meanings hain unko hum bolte hain denotative meaning denotation jaise hai usne example aapko di mother ki mother क्या है वो literally किसको refer करता है एक औरत जिसके बच्चे हैं वो अपने बच्चों के लिए क्या है mother. राइट right? ये उसका लिटरल मीनिंग है जो डेनोटेटिव मीनिंग है वो क्या होता है वो इम्प्लाइड मीनिंग होता है या जिसको सॉरी कॉनोटेटिव जो है इम्प्लाइड या जिसको आप बोलते हैं सिम्बॉलिक मीनिंग ओके जैसे कि मदर फिर किसको अगर हम इसको इसके कॉनोटेटिव मीनिंग्स की बात करेंगे मदर के तो वो फिर रेफ़र करेगा टू वर्ड्स अफेक्शन डिवोशन लॉयल्टी लव इन सारी चीज़ों को रेफर करता है मदर ओके okay? सिंबॉलिकली आगे इसने कुछ और भी डिटेल्स वगैरह दी हुई हैं इनको आप लोग रीड कर लीजिएगा का तो काफ़ी हद तक आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा देन है जी फोनेटिक्स स्टडीज़ द मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ट्रांस फोनेटिक्स की अगर हम बात करें डेफिनेशन की तो फोनेटिक्स की हमने पहले भी बात की थी रिपीट कर रही हूँ कि प्रोडक्शन है ट्रांसमिशन है और रिसेप्शन ऑफ साउंड है इस बेसिस के ऊपर हम फिर फोनेटिक्स की तीन टाइप्स बना लेते हैं आर्टिकुलेटरी जो है वो रेफर करता है विद द फर्स्ट साइड जो प्रोडक्शन है देन आ गई हमारे पास अकास्टिक अकोस्टिक करती है ट्रांसमिशन को और फिर आ जाती है ऑडिट्री ऑडिटरी करती है रिसेप्शन को रेफर ठीक है सो आर्टिकुलेटरी फिनेटिक्स क्या है कि वर्ड्स जो हैं जो साउंडस हैं वो किस तरह प्रोड्यूस की जाती हैं कौन से स्पीच ऑर्गन कौन से वोकल कॉर्ड्स इम्प्लाए होते हैं यूज़ किए जाते हैं उन साउंडस को उन वर्ड्स को प्रोड्यूस करने के लिए इस चीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे जो ये इस चीज़ की जो स्टडी है उसको हम बोल होते हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स अब जब आपने साउंड प्रोड्यूस कर दी तो वो साउंड आगे ट्रेवल कैसे करती है मूव कैसे करती है कि कौन सी वेव्स में मूव करती है इस सारी की सारी की जो स्टडी है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं अकाउस्टिक फोनेटिक्स देन आ जाती है हमारे पास थर्ड वन जो कि है ऑडिट्री फोनेटिक्स यानी अब एक बंदे ने बोला फिर उसकी ट्रांसमिशन हुई अब अगले बंदे तक आवाज़ पहुंच गई अब जब उस तक पहुंच जाती है तो वो उसको किस तरह से सुनता है उसको किस तरह से समझता है इस चीज़ की स्टडी को हम बोलते हैं ऑडिट्री फनेटिक्स ठीक देन है छोटी सी एक और टर्म्स हैं जी लैंग लैंग रिप्रेजेंट करता है सिस्टम ऑफ रूल्स यूसेजेज मीनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज रूल्स क्या हैं उन रूल्स का यूजेज क्या है मीनिंग क्या है स्ट्रक्चर क्या है लैंग्वेज के इन सब को हम जब इनकी स्टडी की बात करते हैं तो हम ये टर्म यूज़ करते हैं लैंग की और सेकेंड वन है पेरोल पेरोल इज़ ऑफन इक्वेटेड विद स्पीच इट इज़ द लैंग्वेज स्पोकन बाई एंडविज यानी जब लैंग्वेज में स्ट्रक्चर्स की उनके रूल्स की उन सारी की स्टडी की बात करेंगे तो वो लैंग होगा जब उन सारे रूल्स को उन स्ट्रक्चर्स को उन चीज़ों को फॉलो करते हुए आप प्रोड्यूस करते हो बोलते हो जो स्पीच होती है आपकी वो रेफ़र करती है पैरोल को ठीक आप अगर आप इसकी बात करें तो हम कह सकते हैं कि लैंग क्या है वो कलेक्शन ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स है जबकि पेरोल क्या है वो सेट ऑफ अट्रेंसिस है उन ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करते हुए जो अटरेंस हैं जो हम बोलते हैं वो सारे के सारे पेरोल में आ जाते हैं लैंग बेसिक लैंग्वेज है पेरोल उसकी स्पीच है लैंग आप कह लें कि थेरी है पेरोल उसकी प्रैक्टिकल साइड है लैंग जो है वो एक सोशल एक्टिविटी है जबकि पेरोल जो है वो इंडिविजुअल एक्टिविटी है किस तरह से कि लैंग रेफर करेगी तमाम रूल्स को जो कि बनाए जाते हैं जो पैटर्न हैं स्ट्रक्चर्स हैं वो तो वो सबके लिए एक जैसे हैं पेरोल जो है वो इंडिविजुअल है क्योंकि हर इंडिविजुअल इंडिविजुअली उन करेक्टर्स को सॉरी uh, उन स्ट्रक्चर्स uh, को फॉलो करते हुए वो अटर क्रिएट कर रहा है लैंग जो है वो इट इज बेस्ड ऑन कोड सिस्टम और जो पेरोल है वो डी कोड करता है यानी लैंग में क्या किया जाता है एक कोड बिल्ड किया जाता है स्ट्रक्चर रूल्स बिल्ड किए जाते हैं पेरोल जो है वो उन्हीं रूल्स और उन्ही स्ट्रक्चर्स को डी कोड करके यूज करता है लैंग uh, फिक्स्ड है पैरोल इंडिपेंडेंट है लैक जो है लैंग uh, जो है वो साइकोलॉजिकल है जबकि पैरोल uh, जो है वो साइकोफिजिकल uh, है यानी साइकोलॉजिकल भी और उसमें फ़िजिकल इनकॉर्पोरेशन भी आ जाती है लैंग ग्राफिक है जिसे लिखा जाता है सिर्फ पैरोल जो है वो फोनिक है ये साउंड के साथ रिलेट करता है क्रिएशन ऑफ साउंड के साथ लैंग परमानेंट है पैरोल टेम्प्रेरी है लैंग एब्स्ट्रैक्ट है और पैरोल जो है वो एक्चुअल है देन हमारी लिंग्विस्टिक्स की जो रिलेशनशिप्स हैं अगर हम उनकी बात करें अकॉर्डिंग टू डी सोशो जो कि एक लिंग्विस्टिक है वो दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड करता है लिंग्विस्टिक्स lingu के जो आपस में रिलेशनशिप्स हैं उनको उसमें आ जाता है अब आपके पास पैराडिग्मेटिक और सिंटिगमेटिक पैराडिग्मेटिक में वो कहता है कि सब्सटीट्यूशनल रिलेशनशिप है या असोशिएटिव रिलेशनशिप है जिसमें आप क्या करते हो कि क्लासीफिकेशन करते हो ऑफ वर्ड्स इन टू नाउन्स वर्ब्स एट्सट्रा जो हम डिवीजन करते हैं ना वर्ड्स की हम कहते हैं कि ये नाउन्स हैं ये वर्ड वर्ब्स हैं या एडजेक्टिव्स हैं ये इस ये वाली जो डिवीजन आप करते हो ये सारी की सारी क्या है वो पैराडिगमेटिक है जो सिंटिगमेटिक है हमारी उसकी अगर आप बात करें तो उसमें आ, और, अच्छा पैराडिगमेटिक में एक चीज़ और है कि आप सेम वर्टिकल सेंस में चलते हो कि आप जो हो वो उनका जो रिलेशनशिप है वर्ड्स का वो वर्टिकल डेवलप करोगे यानी एक वर्ड का दूसरे के साथ जैसे अगर आप इसकी एग्जांपल देखें एग्जांपल दी हुई है आई हंटेड अ रैबिट अब दूसरी नीचे लिखा हुआ है हंटेड अ रैबिट या यू अ रैबिट आई वी और यू का जो आपस में रिलेशनशिप है वर्टिकल चल रहा है ना आई की जगह पे वी आ सकता है वी की जगह पे यू आ सकता है तो ये जो इनका आपस में रिलेशन है शिप है इसको हम बोलते हैं पैराडिगमेटिक या अगर हम आई को अपनी जगह रखते हैं हंटेड को हम रिप्लेस यानी वर्ब के हम बात कर लें उसको हम रिप्लेस कर लेते हैं हम क्या देते हैं कि आई आई हंटेड अ रैबिट या आई एट अ रैबिट या आई फॉलोड रैबिट या I pick the rabbit. अब हम different verbs use कर रहे हैं तो again एक की जगह पर आप दूसरे use कर रहे हो vertical move कर रहे हो जो syntagmatic है वो horizontal relationship है जिसमें आप noun का verb के साथ verb का आगे object के साथ जो relationship है उसकी study करते हो ठीक सो सिंटैक्टिकली या सीक्वेंस या चेन रिलेशन जो होता है उसको सिंटेक्मैटिक बोला जाता है इसमें क्या होता है कि पैरल वर्ड्स जो हैं उनको उनका जो ऑर्डर है उसकी स्टडी कि उससे किस तरह एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है इसको हम बोलते हैं सिंटेगमैटिक ओके जी देट सेट विद डैट वी हैव कम्प्लीटेड अवर लिंग्विस्टिक्स पोर्शन फॉर योर ऑब्जेक्टिव पेपर